दरअसल दिल्ली में कोरोना और लॉकडाउन के चलते गरीबों को चारों तरफ से मार झेलनी पड़ रही है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चार बड़े फैसले लिए हैं, तो आज हम यही जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दरअसल आप लोगों को पता होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ टाइम पहले यानी कि 4 मई 2021 को 72 लाख कार धारकों को 2 महीने के लिए फ्री राशन देने का घोषणा की थी। ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपया देने की घोषणा की थी। इसके अलावा आज फिर से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने चार बड़े फैसले लिए हैं। नंबर वन, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त राशन दिए जाएंगे। नंबर टू, कोरोना से मौत पर 50,000 का मुआवजा दिए जाएंगे। नंबर थ्री, कमाने वाले सदस्य की मौत पर 2500 की पेंशन दिए जाएंगे। नंबर फोर, जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उन्हें 25 साल की उम्र तक 2500 रुपये महीने दिए जाएंगे और उनकी पढ़ाई मुफ्त की जाएगी। चल आप लोग जानना चाहते हैं, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें फ्री मुफ्त राशन कार्ड कैसे मिलेंगे और कैसे अप्लाई करना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बस आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।